Hello students, how are you all? Today we are going to discuss chapter number 1 of computer, that is types of computers. Students, aap sabko pata hai computer kya hota hai? Computer is an electronic device. Alright? So, today we are going to discuss the types of computer. In the previous classes, we have learned about different types of computer. So, let's do a quick recap. कंप्यूटर में भी क्लासिफाइड कंप्यूटर थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड है एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड ये आपको आपका चार्ट दिखाई दे रहा है पेज नंबर 5 पे कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर ऑलराइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल मतलब एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूसली सिग्नल्स रिसीव करते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं ठीक है वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं उनकी लेंथ मेजर करते हैं ठीक है ना जो टाइमली टाइम टू टाइम सिग्नल की लेंथ और स्ट्रेंथ वेरी कर सकती है ओके इनके एग्जाम्पल है जैसे ECG मशीन स्पीडोमीटर हम लोग देखते हैं ना ECG मशीन में आप लोग टीवी में भी देखते होंगे अगर कोई डॉक्टर है और किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उसके पास एक मशीन रखी होती है उसमें ऐसे ऐसे लाइंस चलती रहती है लाइंस दिख रही है आपको ये कंटिन्यूस बेसिस पर चल रही है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है कभी स्टेबल रह रही है ठीक है तो टाइम के साथ साथ सिग्नल की लेंथ वेरी करती है ऑलराइट ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर देन कम्स द डिजिटल कंप्यूटर नाउ डिजिटल कंप्यूटर आपको नेम से पता पड़ रहा है डिजिट्स तो ऐसा कंप्यूटर जो दैट वर्क्स ऑन डिजिट्स नाउ कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है मशीन लैंग्वेज ठीक है और मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 1 0 1 1 1 0 1 और 0 ही यूज होते हैं मशीन लैंग्वेज में ठीक है तो ये दो डिजिट्स 0 और 1 जो कंप्यूटर इन दो डिजिट्स पे काम करता है उस कंप्यूटर को बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर ओके ये नंबर्स में वर्क करता है बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको 0 1 0 1 1 0 इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम ओके नाउ इस सिस्टम के थ्रू कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो सकते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है ऑलराइट नाउ डिजिटल कंप्यूटर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस ऑलराइट तो नेम से पता पड़ रहा है जनरल एंड स्पेशल तो जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू यूज फॉर एनीवन कोई भी इसको यूज कर सकता है ठीक है नाउ जनरली जो हम कंप्यूटर्स देखते हैं वो जनरल पर्पस के होते हैं ठीक है ना एंड स्पेशल पर्पस तो नेम से हमको आइडेंटिफाई हो ही रहा है कि ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बने गए हैं जैसे फॉर एग्जांपल ATM ATM किसके लिए बना है हमें कुछ भी अमाउंट निकालना है अगर तो ATM बना है तो हम और किसी मशीन से तो नहीं निकाल सकते कंप्यूटर में हम थोड़ी हमारा कार्ड डालेंगे और पैसे बाहर आ जाएंगे उसके लिए एक प्रॉपर मशीन बनानी पड़ेगी तो ये एक स्पेशल पर्पस के लिए है तो ये कंप्यूटर कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर ऑलराइट देन कम्स द हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन ठीक है तो फर्स्ट क्या बताया था मैंने एनालॉग जो कंटिन्यूस सिग्नल पे काम करता है और डिजिटल जो डिजिट्स पे काम करता है तो ऐसे कंप्यूटर जो कंटिन्यूस सिग्नल के साथ डिजिट्स पे भी काम करता है वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स जैसे ब्लड प्रेशर मशीन आप लोगों के किसी के घर में ब्लड प्रेशर मशीन होगी BP चेक करने की और नहीं है तो हम लोगों के घर में जो भी बड़े लोग हैं उनकी BP हम जनरली चेक करते रहते हैं ठीक है तो कभी भी आप नोटिस करिए कि ब्लड प्रेशर मशीन में डिजिट्स आती है और कंटिन्यूस चलती रहती है तो ये क्या कहलाएंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस नाउ मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर थ्री टाइप्स के होते हैं नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट है कि कंप्यूटर के टाइप्स उसकी साइज़ पर और उसकी परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करते हैं साइज़ क्या है बड़ा छोटा थोड़ा सा बड़ा ठीक है ये हमें पता है ना
तो साइज के अकॉर्डिंग फोर टाइप्स के कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 6 पे है आपकी बुक्स में। तो इनको डिस्कस करते हैं हम। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, माइक्रो मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स विच यूज़ अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये स्मॉल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम रेट्स में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, ऑल राइट। जैसे हमारा डेस्कटॉप है या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर पाम टॉप होता है, इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, ओके। छोटे कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर, लेस एक्सपेंसिव, ऑल राइट। नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर तो हम सबको पता है, आपने स्कूल में देखे हैं कंप्यूटर, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है ना। और पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे पाम टॉप होते हैं, मोबाइल होते हैं, जिनको हम इधर उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी कर सकते हैं। वो लाइट वेट के होते हैं, वो रिचार्ज हो, चार्ज हो सकते हैं वो, ठीक है ना। जब हम लोग उसको मेन पावर से लगाते हैं तो उनकी बैटरी चार्ज हो सकती है, उनमें बैटरी होती है, ठीक है। तो ये वाले कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ऑल राइट। नाउ एक और आता है इसमें, नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर है स्मॉल वर्जन ऑफ लैपटॉप। आपने देखा लैपटॉप, लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप पता है ना आप सबको, ये देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ओके। इसी का छोटा वर्जन होता है, ये तो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसी का छोटा वर्जन 9 to 10 inch का होता है, उसको बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। वो लैपटॉप के जैसा ही होता है, ठीक है। उसकी स्क्रीन फोल्ड डाउन, उसकी स्क्रीन भी हम फोल्ड कर सकते हैं जब यूज़ नहीं आए, ठीक है। देन टैबलेट पीसी, ये भी पता है आपको, टैबलेट पीसी टैबलेट फ़ोन होते हैं। आप मम्मी पापा से कभी जिद भी करते हो, टैबलेट दिलाओ, टैबलेट दिलाओ, बोलते हैं ना। तो टैबलेट पीसी क्या होता है, ये भी स्पेशल टाइप के नोटबुक कंप्यूटर जैसे होते हैं, जिसमें टच स्क्रीन होती है, ठीक है। इसमें भी हम लोग नोट्स बना सकते हैं, जो भी हमें काम करना है, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट पे जो भी हमें सर्च करना है, ईमेल सेंड करना है, ये सब हम काम टैबलेट पीसी पे कर सकते हैं। देन पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, ये लैपटॉप के जैसे ही होते हैं, पर लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है और पाम टॉप थोड़ा सा छोटा। पाम मतलब ये हमारा पाम है, हमारा हैंड, तो हैंड जितने कंप्यूटर्स, पाम जितने, उसको बोलेंगे पाम टॉप कंप्यूटर। ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि फास्ट सीपीयू रिक्वायर अ लार्ज बैटरी। देखो पाम टॉप छोटे होते हैं, इसलिए उनकी बैटरीज भी थोड़ी छोटी होती है और वो जल्दी से गर्म हो जाती है, तो पाम टॉप इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनमें जो बैटरी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है अगर हमें कुछ भी चीज़ सेव करने के लिए, पर इनकी बैटरीज कम होती है और ये जल्दी से गर्म भी हो जाते हैं, ऑल राइट। नाउ पीडीए, पीडीए क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, अब ये क्या होता है, ये भी एक हैंड हेल्ड डिवाइस है दैट कंबाइन कंप्यूटिंग, टेलीफोन, फैक्स, नेटवर्किंग फीचर, ये सब काम, जैसे पाम टॉप है, जैसे टैबलेट पीसी है, जैसे नोटबुक कंप्यूटर है, उसी तरह पीडीए है। पीडीए में क्या होता है, पीडीए में भी हम लोग टेलीफोन फैक्स कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नेटवर्किंग, नेट से रिलेटेड कोई काम है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पेन बेस्ड होते हैं, इसमें कीबोर्ड यूज़ नहीं करते, हम पेन से लिखते हैं। कभी आपने देखा होगा या फिर आप नेट पे सर्च करेंगे पीडीए तो आएगा, हम उसमें पेन से डिज़ाइन बनाते हैं या पेन से कुछ भी लिखते हैं और वो उसमें लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना। देन आता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी माइक्रो प्रोसेसर का ही पार्ट है, बिल्ड इन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, सिंस दे आर प्लेस विद इन अ लार्ज प्रोडक्ट दे आर स्मॉल इन साइज। एम्बेडेड भी स्मॉल इन साइज होते हैं, फिर भी वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इन अ प्रिंटर चेक फॉर पेपर जैम्स, देखो जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिजिटल कैमरा, कैलकुलेटर, तो हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में क्या होता है, छोटा सा डिवाइस होता है, हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं या फिर कुछ भी उसमें लिखते हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इनटू, डिवाइड, सब कुछ उसमें हो सकता है कैलकुलेटर में, तो वो क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर है।
ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें सेल से चलता है वो, ठीक है ना, रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती है, उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जिसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया है, ठीक है ना, पाम टॉप कंप्यूटर आ गया, पोर्टेबल कंप्यूटर आ गया, टैबलेट पीसी आ गया, पीडी आ गया, ठीक है, तो इन सबको अंडरलाइन कर लो आप लोग। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आ गए। नाउ कम्स द मिनी कंप्यूटर। मैंने बताया हम लोग साइज़ के अकॉर्डिंग और स्पीड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर की साइज़ सबसे छोटी होती है, ठीक है, और स्पीड भी उसकी थोड़ी कम होती है, ठीक है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। नाउ मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज़ के होते हैं, भले इनका नाम मिनी है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे छोटे हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज़ के होते हैं, इसमें हायर स्टोरेज होता है, स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा होता है, अंडरलाइन कर लो, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज होता है इसमें, ठीक है, और थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं उनसे, ठीक है ना। देन अ मिनी कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अबाउट 4 to 200 यूज़र साइमल्टेनियसली, एक साथ चार या फिर चार से लेकर 200, फोर से लेकर 200 यूज़र्स इसको एक साथ मतलब सपोर्ट कर सकता है ये मिनी कंप्यूटर, एक साथ कंप्यूटर इसमें अटैच हो सकते हैं, एक साथ कैपेबल है ये कंप्यूटर सपोर्ट करने के लिए, ओके। तो बेसिकली माइक्रो और मिनी में क्या डिफरेंस है, माइक्रो सबसे छोटा है, मिनी उससे बड़ा है, ओके। माइक्रो की स्पीड थोड़ी कम है, मिनी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। देन माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, मिनी कंप्यूटर मोर एक्सपेंसिव है, ओके। माइक्रो कंप्यूटर की स्टोरेज थोड़ी सी कम है मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, ऑल राइट। देन थर्ड इज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई होती है और ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में परफॉर्म कर सकता है। इसमें मोर देन वन प्रोसेसर चिप होती है, एक चिप से ज़्यादा चिप होती है इसमें, ठीक है, इसलिए इसकी स्टोरेज मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये 100 से लेकर 1000 तक के यूज़र्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे बैंकिंग में, रेलवेज में, एयरलाइंस में मोस्टली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काम आते हैं, ऑल राइट। देन लास्ट इज़ द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो नाम से हमें पता पड़ रहा है सुपर फास्ट होंगे ये, तो फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सबसे एक्सपेंसिव भी है और दे कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, स्पीड भी उसकी बहुत फास्ट है और उसके स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो कंपनीज विच प्रोड्यूस सुपर कंप्यूटर, कौन कौन सी कंपनीज प्रोड्यूस करती है, IBM, क्रे, पैरम, अंडरलाइन कर लो, हेवलेट पैकवर्ड, अनुराग आर टू कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया। ये दो नाम याद करो, परम एंड अनुराग, ये तो नाम याद हो जाएंगे ना आपके फ्रेंड्स के, पापा के, भाई बहनों के, किसी के नाम होंगे परम अनुराग, तो परम अनुराग ये दो सुपर कंप्यूटर्स है जो इंडिया ने बनाए हैं, ऑल राइट। तो बेसिकली क्या है, जैसे जैसे हम माइक्रो से सुपर में जाएंगे तो स्पीड हमारी बढ़ेगी और प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ेगा और मेमोरी भी इंक्रीज होगी। सबसे कम मेमोरी माइक्रो कंप्यूटर में होती है, ठीक है, स्टोरेज भी कम होता है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, ठीक है, उससे साइज़ में बड़े होते हैं पर स्पीड में भी बड़े हैं, पैसे में भी बड़े हैं और प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट है, देन मेमोरी स्टोरेज भी ज़्यादा है। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट है, हाई स्पीड में वर्क करते हैं वो और थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है उसमें। एंड सुपर कंप्यूटर्स तो फास्टेस्ट कंप्यूटर कहलाते हैं और हाईएस्ट मेमोरी होती है उसमें सेव करने की और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो एक विद इन अ सेकेंड पर सेकेंड में वो सॉल्व कर सकते हैं, ऑल राइट। तो आपको पता पड़ गया साइज़ के अकॉर्डिंग एंड स्पीड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इसका PDF मैं आपको सेंड करूँगी, वो आपको नोटबुक में उतारना है, अच्छे से लिखना है फेयर हैंड राइटिंग में, ऑल राइट। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।